माननीय मुख्यमंत्री जी का कमलों से ये दस्तक अभियान शुभारंभ होने जा रही है। 2 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसे यही एवं JES जो दोनों के खिलाफ, JEE एवं AES के खिलाफ एक तरफ अभियान चला रहे हैं हम लोग। आप जानते हैं JEE के खिलाफ तो वैक्सीन है हम लोग का, करीब 90,000 बच्चे वैक्सीन के जरिए से हम कवर करवा रहे हैं जो गोरखपुर में। उसके अलावा AES के लिए अब तक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए तो उसका बस एक ही कारण है, हो सकता है तो वहाँ सफाई का अभाव के वजह हो सकता है बीमारी, नहीं तो पीने के पानी के वजह, कोई प्रदूषण के वजह हो सकता है, नहीं तो कहीं हवा में कोई प्रदूषण के वजह हो सकता है, नहीं तो एक आदमी दूसरे आदमी के वजह हो सकता है। इसलिए हम सारे जो स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं इस पर, जो यहाँ ग्राम स्तर का हमारा कर्मचारी सब लोग उस पर शामिल है, इस पर जो प्रधान है, प्रधान के नीचे है, सफाई कर्मचारी है, वो युवा मंगल दल है, जो मेडिकल शॉप है, वो जो कितने लोग, सब लोग शामिल करते हुए एक तरफ अभियान चला रहे हैं। हम लोगों का मकसद यही है ताकि पिछले साल तकरीबन 850 बच्चे यही ऐसे प्रभावित हुए थे, उस पर करीबन 120 बच्चे मृतक हो गए। उस पर अचानक बुखार चढ़ जाता है, जो दिमागी बुखार कहते हैं उसको, उसका तो विदिन 24 घंटे के अंदर हम यदि अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं तो सही हो जाएंगे। उसका तो किसी के किसी नज़रअंदाज की वजह, लापरवाही की वजह, यदि बच्चे का तो 24 घंटे के ज़्यादा जो बुखार चढ़ती है उसको बच्चे ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद वो जानलेवा हो जाता है। मैं जो जनता का मीडियम के माध्यम से यही अपील करने चाहता हूँ, जो भी बच्चे इस समय में यानी अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने जो भी बच्चे बीमार पड़ता है, खासतौर पे 15 साल के नीचे वाले बच्चे जो है, उनको तुरंत जिला अस्पताल लेके आइए, नहीं तो आसपास का PSC लेके जाइएगा, ताकि आप वो लक्षण पहचान नहीं पाएंगे, वो लक्षण मामूली बुखार के वजह है कि यही JEE के वजह है। तुरंत उस पर 2 दवा लेना होता है, 2 दवा लेने के बाद तुरंत नियंत्रण में हो जाता है, आपका बच्चा का बचा सकते हैं। ये केवल आपका बच्चा का नहीं, इसी जनपद में जो भी आसपास आपको पड़ोसी खानदान रिश्तेदार जो भी है सबको बता दीजिएगा, जो भी बुखार आता है इस समय में जो बच्चे का, उनको तुरंत 102 एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस, उसी के अलावा जो आसपास जो भी केंद्र है उसको आप फोन करेंगे, तुरंत हम पहुँच जाएंगे। ANM आशा आपके घर पर आएगी, सूचना देगी, दस्तक मतलब तो घर घर जा करके खड़का करके हम लोग जो उसको सूचना पहुंचाते हैं, इसका कैसे दूर कर सकते हैं सारे चीज़। जनता लोग से यही अपेक्षा है, इसको जानकारी रखिए, आपका आसपास जो भी आप आते हैं उसके बारे में पूछते हैं तो बता दीजिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा ताकि इस साल एक भी बच्चे मरना ना जाए। हमारी खासतौर पर देखिए ये मच्छर की वजह भी हो सकता है, इसलिए हम लोग जो हम फॉगिंग की व्यवस्था करा रहे हैं, लावे से डाल रहे हैं, उसके अलावा जो कहाँ कहाँ जो पानी जमा होता है उसको सफाई भी करा रहे हैं सफाई अभियान के तौर से। दूसरा पानी की वजह भी हो सकता है, इसलिए जो गांव-गांव जाकर के, शहर से जाकर के जो कहाँ कहाँ पानी का सोर्स ऑफ वाटर होता है उसको टेस्टिंग करा रहे हैं। यदि पानी तो प्रदूषित है ज़्यादा, खासतौर पर जो देसी नल होता है उसी से ज़्यादा फैलने के लिए संभावना होता है, इसलिए तो मैं अपील करता हूँ देसी नल से पानी खत्म मत पिए। हो सकता है दूसरे घरेलू यूज़ के लिए आप कर रहे होंगे, बट उसका देसी नल से पानी पीने बहुत जानलेवा हो जाता है। उसके अलावा जो सामान्य साफ सफाई वो रखना है, तो मान लीजिए तो आपका घर के आसपास कहीं कूड़ा फैली हुई है, नहीं तो काफ़ी समय से गंदगी फैला हुआ है, जमा हुआ है, उसको भी ध्यान देना होता है, ताकि ये हो सकता है तो हवा वजह से भी ये बीमारी फैल सकता है। उसके अलावा और एक कारण अभी फिलहाल आइडेंटिफाई किए, चूहा के वजह भी हो सकता है, इसलिए तो गांव-गांव में हम लोग तो चूहा मारने के लिए दवा भी दे रहे हैं। यदि आसपास आपका जमावड़ा है चूहा का है, वहाँ कृषि अधिकारी का आप संपर्क कर सकते हैं, लोकल ब्लॉक लेवल पे कृषि अधिकारी से बता सकते हैं, उसको मारने के लिए मरवाने के लिए भी हम लोग व्यवस्था करा देंगे, ताकि उसी के वजह भी फैलने के लिए संभावना ज़्यादा होता है। आज के पाठ पर साफ सफाई रखल दिमागी बुखार से बचल, तो रोल नंबर 1 साफ सफाई होके भरपूर सुअर बाड़े घर से दूर। अरे वाह, नंबर 2 मच्छर चूहा और छुछुंदर आवे नादा घर के अंदर। शाबाश। नंबर 3 बंद करा खुले में जाइल घर घर शौचालय बनवाइल। बढ़िया। रोल नंबर 4 शौच कैले और करैले के बाद साबुन पानी से धोवा हाथ। अरे वाह, तुम हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकाला, पिए वाला पानी में क्लोरीन की गोली डाला। बिल्कुल ठीक, दिमागी बुखार जानलेवा बा, इस ज्यादातर गंदगी से फैलेला, गांव और घर में सफाई रख के ये से बचल जा सकेला। चल जा, अब सब बच्चन खातिर ताली बजावल जाए। लइका लोग तो ये कुल बात जाने ले, रहुआ लोग भी जानी।